सो हे गाइस, यार कैसे हो यार आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे किसी भी फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। फोन उठा लेता हूँ और लाइट को ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली यूज करता हूँ फेसबुक लाइट, वैसे फेसबुक भी है। तो फेसबुक लाइट पर क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा होम पेज में आ जाएंगे आप। फिर आपको ऊपर राइट साइड में थ्री लाइंस दिखेंगे, उसमें क्लिक कर लेना है। बाद में चला जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है आपको, सेटिंग में क्लिक कर लेना है। फिर आपको बहुत सारे फिर से ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आपको क्लिक कर लेना है जो पहला वाला ऑप्शन है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका जो पर्सनल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर दिए होंगे वो आ जाएगा। फिर बाद में आ जाएगा आपका अकाउंट ओनरशिप कंट्रोल, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसमें क्लिक कर लेने के बाद आपको फिर से दो ऑप्शन आ जाएगा, मेमोरियलाइजेशन सेटिंग एंड डीएक्टिवेशन। वैसे आपको अगर डिलीट करना है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकंड डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना चाहते हैं, अगर टेम्पररीली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करके प्रोसीड कीजिएगा। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक कर लेना आपको। फिर आपको पूछा जाएगा कि आप क्यों करना चाहते हो, तीन चार ऑप्शन दे जाएंगे कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हो। वैसे मैं ये वाला चूज करता हूँ, और ये वाला चूज कर लेने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको प्रोफाइल लॉक करना है या फिर ब्लॉक, किसी को ब्लॉक कर लेना है, फिर से क्लिक कर लेना है आपको उधर। और फिर आपका जो मैसेंजर को कुछ डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो इधर ऑप्शन आ जाएगा, या फिर एक्टिविटी लॉग चेक करना चाहते हो तो इधर आ जाएगा ऑप्शन। वैसे अगर आपको डिलीट करना है, फिर से आपको डिलीट अकाउंट क्लिक करना है, डिलीट अकाउंट क्लिक करने के बाद आपको मांगा जाएगा आपका फेसबुक का पासवर्ड, ठीक है। तो सही सही से आपका पासवर्ड दे देना है, जैसे मैंने दे दिया, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक पॉपअप मिलेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका जो अकाउंट है डिलीट करना चाहते हो, मतलब कि आपको एक पीरियड दिया जाएगा 30 डेज का पीरियड, ठीक है। इसी के चलते आप अगर इसके जो आईडी है इसको पासवर्ड देकर लॉग इन ना करेंगे तो आपका जो ये फेसबुक आईडी है वो 30 डेज के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो वैसे मैं डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट चला जाएगा 30 डेज के लिए, ये डिलीशन प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 30 डेज के पहले आपको रियलाइज होता है कि आप यार मैं वो अकाउंट घर देगा जहाँ भी चलाना मैं करता हूँ, तो पहला पासवर्ड देकर आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो फिर से लॉगिन कर लीजिएगा तो आपका जो डिलीशन प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन तक कोई भी वो अकाउंट ना लॉगिन किया हो तो फिर आपका अकाउंट 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आपने हैंड से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।